नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वर्मा आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी पैकेज में। और आपको बता दूँ, UP SSSC का जो आपका मंडी परिषद का एग्जाम होने वाला है और आपका UP SSSC का जो JEE का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आपको जनरल साइंस, जनरल हिंदी और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पसंद हो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। इसके लिंक को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, चैनल की अपडेट्स मिलती रहा करें। और उसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला ही क्वेश्चन की मांग को क्या कहते हैं, जो आपकी श्रम की मांग है इसको क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं, श्रम की मांग को आपका व्युत्क्रम की मांग कहते हैं, ठीक है, व्युत्क्रम की मांग कहते हैं, ठीक है, श्रम की मांग को व्युत्क्रम की मांग कहते हैं। अगला, हम निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवा पर निवेश व्यय नहीं है? तो आपको बता दूं, सेवा और वस्तु पर विनिवेश व्यय एक मशीनरी की जो खरीद होती है इस पर व्यय नहीं है, ठीक है, मतलब कि कौन सा माल है जो सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? तो वो आपका मशीनरी की खरीद, ठीक है, मशीनरी खरीद पर व्यय नहीं है। अगला आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? तो आपका कौन सा है जो निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? तो वो है आपका अवितरित लाभ, ठीक है, अवितरित लाभ है जो आपका, ये आपका निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है, ठीक है। अगला आपका, भारतीय संसद के संयुक्त संघ की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको बता दूं, भारतीय संसद के संयुक्त संघ की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको बता दूं, भारतीय संघ के संयुक्त संसद की अध्यक्षता है जो वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है भारतीय संसद के संयुक्त संघ की अध्यक्षता। और इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन, ठीक है, सुमित्रा महाजन। आपको भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो आपको बता दूं, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? वो किया जाता है आपका आय, उत्पाद और व्यय में, ठीक है, मतलब कि इनकम, प्रोडक्ट, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर, मतलब कि व्यय में, ठीक है, इन तीनों में आपका लेखांकन प्रणाली को, भारत में जो सामाजिक लेखांकन प्रणाली को, इसमें वर्गीकृत किया जाता है। अगला आपका, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? तो आपको बता दूं, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? तो वो है आपका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि में अभिदान, ठीक है, जो आपके अनिवार्य बचत का संबंध किससे, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि में अभिदान, ठीक है, इससे संबंध है अनिवार्य बचत का संबंध। अगला है आपका कि संविधान, भारत का जो संविधान है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को किसके रूप में प्रतिबिंबित किया जाता है? तो आपको बता दूं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबिंबित किया जा सकता है? वो किया जा सकता है आर्टिकल 33, मतलब कि अनुच्छेद 33 के तहत यह प्रतिबिंबित किया जा सकता है, ठीक है। अगला का, पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था? जो आपका पुलकेशिन सेकंड था, यह किसका महानतम शासक था? ये आपको बता दूं, कल्याणी के चालुक्य का, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य का, यहाँ पे आपका चालुक्य, ठीक है, चालुक्य का महान शासक था, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड किसका महान शासक था? कल्याणी के चालुक्य का। उत्तरमेरुट शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिली है? तो आपको बताऊँ, उत्तरमेरुट शिलालेख से किसके प्रशासन संबंधित जानकारी मिली है? तो वो है आपका चालुक्य से, ठीक है, चालुक्य से संबंधित, उत्तरमेरुट शिलालेख के से संबंधित जानकारी मिली है, ठीक है। अगला आपका कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो आपको बताऊँ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो एक था, बता दूँ आपका, नियामक अधिनियम, ठीक है, नियामक अधिनियम था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आपको बताऊँ, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 में क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन संसद का एक अधिनियम था जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी बोलते थे, ठीक है। और कहता हूँ, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम रेगुलेटरी एक्ट 1773 की कमियों का पता करने के लिए गठित किया गया था, ठीक है, और तो जिसका निर्माण भारत के ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में किया गया था, ठीक है, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किया था, नियामक अधिनियम था एक, जिसका निर्माण जो है भारत के ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में किया गया था। अगला है आपका कि एम हु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताऊँ, एम हु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है? तो आपको बताऊँ, वो है, उसने कांग्रेस के वार्षिक सनों की 2 बार अध्यक्षता की थी, ये आपका कथन है जो आपका सही नहीं है, ठीक है। और आपको बता दूं, ये जो है, ये है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी हैं, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी हैं। और आपको पता होगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1885 में, ठीक है। और बता दूं आपको,
उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये भी मैंने आपको बताया अभी 1885 में की थी, ठीक है। और उन्होंने अर्थोनॉलॉजिस्ट भी थे और आपका भाई भारतीय सिविल सेवा के सदस्य भी थे। खाली उन्होंने मतलब कि कांग्रेस के वार्षिक सदनों की दोबारा अध्यक्षता की, ये आपका गलत पॉइंट है, ठीक है, और यही पूछा है क्वेश्चन में। अगला, शक्ति का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? आपका दोस्त, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो वो है आपकी सरकार की लोकतांत्रिक रूप, ठीक है, सरकार की लोकतांत्रिक रूप की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ठीक है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। प्रजातांत्रिक सरकार को महत्वपूर्ण दो विशेषताएं शक्ति प्रधानकरण और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, ठीक है, मतलब कि सरकार का लोकतांत्रिक रूप। अगला आपका, भारत में कौन सी नदी बिभंस घाटी को में बहती है? तो आपको बता दूँ भारत की कौन सी नदी है जो आपका बिभंस घाटी में बहती है, तो वो आपका नर्मदा, जो आपकी नर्मदा है केवल जो बिभंस घाटी में बहती है, ठीक है। और आपको बता दूँ जो ताप्ती और माही नदियाँ ये रिप्त घाटी में बहती, लेकिन इनकी भिन्न श्रेणी में है, ठीक है, ये हैं जो आपकी भिन्न श्रेणी में आती हैं, ठीक है। अगला आपका, दो बड़े भू समूह को जोड़ने वाली संकीर्ण भू पट्टी को क्या कहते हैं? तो आपको बताऊँ, दो बड़े भू समूह को जोड़ने वाली संकीर्ण भू पट्टी को कहते हैं भू संधि, स्थल जड़ जल डमरू मध्य जिसे बोलते हैं, स्थल डमरू मध्य बोलते हैं इसे, ठीक है, जिसे कहते हैं आपका भू संधि, ठीक है। और इसको बता दूँ स्थूमस भी कहते हैं, ठीक है, इस थूमस भी कहते हैं, ठीक है, जो दो बड़े भू समूह को जोड़ती है। अगला है आपका कि चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आपका मूंगा चट्टान, ठीक है, मूंगा चट्टान बोलते हैं आपके समुद्री जीवों को, जो कि छोटे छोटे समुद्री जीवों को बनाते हैं, जो कि चूना पत्थर के ढांचे बना लेते हैं, ठीक है। अगला, आपतनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? तो आपको बता दूँ, आपतनी है जो आपका कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का जनजातीय समूह है, ठीक है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप है जो रंजक लाल एवं सिंदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशेषित हो जाता है? तो आपको बता दूँ, निम्नलिखित में से कौन सा जो पादप है जो रंजक लाल और सिंदूर लाल प्रकाश के क्षेत्र की ओर अवशोषित हो जाता है? तो वो है आपका फाइटोक्रोम, ठीक है। जो फाइटोक्रोम है ना, ये आपका एक फोटो रिसेप्टर होता है, ठीक है, फोटो रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर होता है ये, क्या होता है कि मतलब कि रंजक लाल और सिंदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशेषित हो जाता है, ठीक है। अगला है आपका कि जिस प्रक्रिया में माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको बता दूँ, जिस प्रक्रिया में माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है, उस प्रक्रिया को आपका एक शमन कहते हैं, ठीक है, शमन बोलते हैं, अधिक प्रकाश के समय के अंतर्गत यह होती है शमन। अगला है आपका कि एड्स के विषाणु को कैसे नष्ट कर देते हैं? तो आपको बताऊँ, एड्स के विषाणु होते किसे नष्ट कर देते हैं? तो आपको बताऊँ, ईस्ट के जो विषाणु होते हैं वो आपका लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, एड्स के जो विषाणु होते हैं आपका लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। और आपको पता ही होगा लिम्फोसाइट क्या होता है, WBC के समूह से संबंधित होता है, आपको पता है वाइट ब्लड सेल, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं WBC वाइट ब्लड सेल होता है, और आपका ये टी कोशिकाओं को या लिम्फोसाइट को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ये जो आपका एड्स बीमारी होती है ये लिम्फोसाइट या टी कोशिका को ख़त्म कर देती है। अगला, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो कहता हूँ, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो वो देखा था आपका तेभांगा आंदोलन, ठीक है, तेभांगा आंदोलन है आपका सबसे बड़ा देहाती गुरिल्ला युद्ध, तेभांगा आंदोलन दिखाई दिया गया था, ठीक है, जिसे बोलते गुरिल्ला युद्ध, ठीक है, जिसे बोलते तेभांगा आंदोलन। अगला, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने के मानचित्र को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आपका स्थलाकृतिक मानचित्र, ठीक है, स्थलाकृतिक मानचित्र बोलते हैं, ठीक है, जो कि दोनों प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं को दर्शाता है। अगला, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दूं, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए आपका ब्रैंग स्पेक्ट्रम मापी का प्रयोग करते हैं। और आपको पता है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोजेंट ने, ठीक है,
जेंट ने की थी, और इसकी तरंग दैर्ध्य को मतलब कि नापने के लिए हम का ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी का प्रयोग करते हैं। अगला आपका अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है, तो आपको बताऊं अल्फा कण है जो आपका एक हीलियम के परमाणु का नाभिक होता है। ठीक है, अल्फा कण में क्या होता है, दो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, दो प्रोटॉन होते हैं एंड दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये क्या है, हीलियम का एक परमाणु नाभिक होता है। ठीक है, अगला प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं, तो आपको बता दूं प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका लूपिंग। ठीक है, लूपिंग बोलते हैं आपका कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को। ठीक है, अगला आपका दांत और हड्डियों किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती हैं, जो आपकी दांत और हड्डियां हैं किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम से आपकी दांत और हड्डी मजबूती प्राप्त करती हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कम से कम मानव शरीर में क्या है, 99% जो आपका हड्डियों और दांत होते हैं इसमें कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, अगला आपका कि सार के किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है, जो आपका सार का इसमें किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है, तो आपको बता दूं इसमें जो है आपका विषपाली पूंछ पाई जाती है आपकी सार्क में। ठीक है, विषपाली पूंछ। अगला आपका सिग्मा रूपी बृहदात्र किसका भाग है, तो आपको बता दूं सिग्मा रूपी बृहदात्र किसका भाग है, यह है आपका बड़ी आंत का। ठीक है, बड़ी आंत का सिग्मा रूपी बृहदात्र भाग होता है, और आपको बता दूं इलाइम जो होता है छोटी आंत का पिछला हिस्सा होता है इलिम। ठीक है, इलिम जो होता है आपका छोटी, ये आपका है ये छोटी आंत का पिछला हिस्सा होता है। ठीक है, और आपका जो सिग्मा रूप है वृद्ध ये बड़ी आंत का है। अगला आपका धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है, तो आपको बता दूं धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है, तो वो होता है आपका ऋणात्मक आवेशित। ठीक है, ऋणात्मक आवेशित। अगला आपका योगदान में कौन सा समास है, तो आपको बताऊँ योगदान में कौन सा समास है, वो है आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, योगदान में। अगला सूक्ष्म भाष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको बताऊँ स्वच्छ शाबाश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो वो होगा आपका उत् प्लस शाबाश। ठीक है, उत् प्लस शाबाश होगा सूक्ष्म उच्च शाबाश का संधि विच्छेद। अगला आपका जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको बताऊँ जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं, स्वार्थी। ठीक है, स्वार्थी मतलब कहते हैं ना कि वो स्वार्थी मतलब अपने मतलब से ही मतलब रखता है। ठीक है, उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं रहता था। अगला बहुमूर्खी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बता दूं बहुमूर्खी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, वो है आपका वहीर। ठीक है, वहीर है आपका बहुमूर्खी शब्द में उपसर्ग, और आपका इसका वहीर का जो अर्थ होता है वो होता है आपका बाहर। ठीक है, बाहर। अगला आपका निम्न में से कौन सा जो वाक्य है मिश्र वाक्य नहीं है, तो आपको बताऊँ कौन सा जो वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, वो है आपका वह परसमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, आपका मिश्र वाक्य नहीं है। ठीक है, कि वह परसमी ही नहीं वरन ईमानदार बी है, ये आपको बता दूं संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आता है आपका, कि वह पश्चिमी नहीं वरन ईमानदार भी है। अगला आपका साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का चित्त प्रतिबिंब है, यह युक्ति किसकी है, तो आपको बताऊँ साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह युक्ति है आपकी रामचंद्र शुल्क की। ठीक है, रामचंद्र शुल्क की। अगला आपका मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो आपको बताऊँ मर्यादा जो थी किस युग की प्रसिद्ध पुस्तक थी, तो वो थी आपकी द्विवेदी युग की। ठीक है, द्विवेदी युग की ये प्रसिद्ध पुस्तक थी मर्यादा। ठीक है, अगला आपका निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें, तो आपको बता दूँ काव्य पंक्तियाँ दे रखें उनके रचनाकार दे रखें, तो उनको सही सम्मिलित करना है। ठीक है, तो आपको बता दूँ भक्ति ही ज्ञान नहीं नहीं कछु भेदा, ये आपकी तुलसीदास ने लिखी थी। ठीक है, और आपको बता दूँ ये जो है आपका हम राज लिए मरते हैं, ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की हम राज लिए मरते हैं, और है ये उपमान मैले हो गए हैं, ये आपकी अज्ञेय की है, और आपका बत रस लालच लाल की, ये आपकी बिहारी की है। ठीक है, तो आपका चौथे वाले का पहले का चौथा हो जाएगा, और दूसरे का आपका तीसरा हो जाएगा, और तीसरे का पहला हो जाएगा, एंड मतलब चौथे का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, जो आपका संकीर्ण है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो वो होगा आपका विकिरण। ठीक है, विकिरण होगा संकीर्ण का विलोम शब्द। अगला है मृगधर शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो आपको बता दूं मृगधर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, वो है आपका शिव। ठीक है, जो शिव है आपका मृगधर शब्द का पर्यायवाची शब्द है।
अगला है आपका कि खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, पंक्ति में अलंकार बताइए। तो आपको बता दूं, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, इस पंक्ति में अलंकार है वो है आपका उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार। अगला आपका शांत रस का स्थायी भाव है, जो आपका शांत रस है इसका स्थायी भाव क्या होगा, तो वो होगा आपका निर्वेद। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव होगा आपका निर्वेद होगा। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है, तो यहाँ पर होगा निर्वेद, निर्वेद होगा। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव। अगला आपका गांधी का अर्थशास्त्र धर्म और डेडस पर आधारित है, तो आपको बता दूं गांधी का जो अर्थशास्त्र है वो आपका धर्म और न्याय पर आधारित है। ठीक है, धर्म और न्याय पर आधारित है। अगला है आपका कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना डेडस रूप में जागृत करता है, तो आपको बता दूं लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना और स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, इसके लिंक को ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।